Somalia, a Muslim country located on the Horn of Africa, next to the Indian Ocean. Somalia Africa ki sabse easternmost country bhi hai. But what comes to your mind when you hear the word Somalia? Is it the beautiful beaches, the hospitable people, or is it just the pirates, the kidnapping, the bombings, etc. that the media forces us to see? सोमालिया ट्रैवल करने के लिए मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ की ट्रैवल एडवाइजरीज अगर हम देखें तो उसमें साफ साफ बोला गया है कि किसी भी प्रकार की विजिट आप सोमालिया में अवॉइड करें और चाहे कितनी ही मजबूरी या इमरजेंसी हो आप सोमालिया ट्रैवल ना करें। यहाँ तक कि यूएस की ट्रैवल एडवाइजरी में तो ये भी मैंशन किया गया है कि अगर आप सोमालिया जाने की डिसाइड कर ही लेते हैं तो जाने से पहले आप अपने बच्चों, पेट्स, प्रॉपर्टी और बिलोंगिंग्स की कस्टडी का पेपर वर्क और प्लानिंग करके जाए, और ये तक कहा है कि जाने से पहले अपनी फैमिली के साथ अपनी आखिरी ख्वाहिश भी शेयर कर ले। Somalia, one of the most dangerous places in the world. The car exploded at the center of the busiest junction in Mogadishu. Suicide car bomber and gunmen stormed a popular hotel. And every second person you see there, whether they're armed or not, has an AK-47. Two Americans are among the at least 20 people killed in an attack in Somalia. A car bomb detonated in the city's Medina district. अभी तक सोमालिया को हमने सिर्फ मीडिया और जर्नलिस्ट की नजरों से देखा था, पर अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ सोमालिया एज अ टूरिस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डेट है 24 दिसंबर 2020। अभी मैं हूँ अपने होटल दुबई में और मेरे होटल का नाम है मरीना बाय ब्लूस होटल। आपने मेरी पिछली दुबई वाली वीडियो में भी देखा होगा। अब जो वीडियो ये मैं दिखाने वाला हूँ ये दुबई की नहीं आने वाली, मैं दुबई से निकल रहा हूँ। मेरा होटल आप लोगों ने देख लिया था, मैं उसी होटल में बीच में बर दुबई साइड चला गया था, फिर वापस मैं इधर आ गया था। और क्योंकि मुझे मरीना ये जो लोकेलिटी है काफ़ी पसंद आई थी, जिससे मैं इधर ही रुका हूँ, मेरा इधर ही ज़्यादा मन लगा था। अभी मैं जा रहा हूँ दुबई से किसी स्पेशल जगह। मैंने इंस्टाग्राम पे सबको बता दिया आपको, और पिछली लाइव वीडियो में आके यूट्यूब पे भी बता दिया, पर जिन लोगों को नहीं पता तो आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट आई एम गोइंग टू सोमालिया। यस, सोमाली लैंड नहीं, सोमालिया, मोगादिशु। एंड डोंट वरी, मैं सोमाली लैंड भी जाऊँगा। सोमालिया एज वी ऑल नो इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और यूजअली कोई वहाँ पर नहीं जाता, सारे जाने से डरते हैं। बट एज यू ऑल नो कि मुझे मज़ा आता है थोड़ी थ्रिलिंग जगह पर जाने का। और मेरी फ़्लाइट है सुबह 6:30 बजे की दुबई एयरपोर्ट से, टर्मिनल 2 से। अभी बज गए 2:45 रात के। मैं वेट कर रहा हूँ मेरे लैपटॉप के अपडेट होने की, क्योंकि पता नहीं आगे इंटरनेट कनेक्शन होगा या नहीं अफ्रीका में, सोमालिया में, जिधर मैं जाऊँगा। तो अभी ये 31 मिनट और दिखा रहे हैं, जैसे ही अपडेट हो जाएगा मैं निकलूँगा नीचे से टैक्सी पकड़ के। लगभग आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से एयरपोर्ट का, 35-40 किलोमीटर है, पर गूगल मैप्स में 26-27 मिनट ही दिखा रहे हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड, थोड़ा सा नर्वस हूँ, ज़्यादा नहीं, और वो भी इसलिए नहीं कि वहाँ पर क्या होगा क्या नहीं, बस अभी ये जो प्रोसेस है पूरा फ्लाइट में बैठने तक का, बस इसको लेके। सोमालिया मैं जा रहा हूँ, मोगादिशु, द कैपिटल सिटी ऑफ सोमालिया। अभी 6:30 बजे की मेरी फ्लाइट है, 11 बजे मैं सोमालिया में आऊँगा, 24 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे। सोमालिया में रुकूंगा, मोगादिशु, लगभग 3 दिन, और 26 तारीख को आई एम गोइंग टू फ्लाई टू हरगीजा, विच इज़ द कैपिटल ऑफ सोमालीलैंड। सोमालीलैंड में 3-4 दिन रुकूंगा, शायद 5 दिन, और उसके बाद शायद मैं जिबूती जाऊँ। मैंने जिबूती का ई वीज़ा तो ले लिया, पर मेरे को भी पता चला कि अगर हम लैंड से क्रॉस करते हैं, मैं लैंड से क्रॉस करने वाला था, तो उनके पास ऐसे सिस्टम और फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो आपका ई वीज़ा ट्रैक कर सके या फिर ई वीज़ा पे आपको एंट्री दे सके। तो आई एम नॉट श्योर इफ आई गो टू जिबूती और नॉट, बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सोमालिया एंड देन टू सोमाली लैंड। उसके बाद मैं वापस शायद दुबई आऊँगा, एंड देन वील सी हाउ थिंग्स विल गो। तो अभी एज आई जस्ट टोल्ड यू, आई एम सुपर एक्साइटेड एंड अ बिट नर्वस एज वेल। ये ट्रिप मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रिप होने वाला है, मतलब आप कह सकते हो कि इस ट्रिप में मैंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है, वेदर इट इज़ मनी या फिर अपनी हेल्थ को रिस्क पे डाल के, या फिर जो भी आप इसे कहें, लाइफ को रिस्क में डाल के कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। कोई भी टूरिस्ट और ट्रैवलर्स सोमालिया यूजुअली नहीं जाते हैं, एंड इंडियन यूट्यूबर तो कोई भी नहीं गया, ट्रैवल यूट्यूबर, तो आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट वन टू बी इन मोगादिशु। सोमालिया काफ़ी बदनाम है अपने पायरेट्स के लिए, किडनैपिंग के लिए, बॉम्बिंग्स के लिए, और टूरिस्ट की ऑब्वियसली वो प्रेफर डेस्टिनेशन नहीं है, पर आई एम स्टिल गोइंग देयर, क्योंकि मेरे को एक तो मज़ा आता है ऐसी थ्रिलिंग जगह जाने का, दूसरी चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई हम गंदी जगहों में भी कुछ अच्छी चीज़ें कैसे ढूंढ सकते हैं। ज़रूर आई एम श्योर कि सबके साथ बुरे एक्सपीरियंसेस नहीं होते होंगे, सारा टाइम ही बुरे एक्सपीरियंसेस नहीं होते होंगे,
कुछ तो अच्छी चीज़ होगी और उसी अच्छाई को हम देखने के लिए वहाँ जा रहे हैं, तो वील सी हाउ इट गोज़। और जो कल्चर है उनका, जो भी चीज़ है, मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा आपको दिखा सकूँ अपनी वीडियो के जरिए आपको दिखाऊँगा। आप घर बैठे, आपको सोमालिया जाने का रिस्क आपको नहीं उठाना पड़ेगा, घर बैठ के आप सोमालिया देख सकते हो सोमालिया कैसा है। तो दैट्स इट, आई थिंक आई विल बी लीविंग नाउ फॉर द एयरपोर्ट एंड वीडियो में शायद एयरपोर्ट पहुंच के कंटिन्यू करूँ। मास्क वगैरह की बहुत भड़क है, मेरे को पसंद नहीं, मास्क हटाओ, वीडियो बनाओ, मास्क लगाओ। तो आई थिंक सोमालिया में भड़क नहीं है, देखेंगे जैसा भी होगा। तो आई डोंट थिंक आई विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज एट द एयरपोर्ट, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिकॉर्ड एवरी मोमेंट इन सोमालिया। तो दैट्स इट, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वीडियो लास्ट तक देखना, और ये पूरी सीरीज बहुत अच्छी होने वाली है आई एम श्योर। अभी मैंने वीडियोस बनाई नहीं है, पर मेरे को पता है मैंने जो इतनी मेहनत करी है दैट इज गोइंग टू पे ऑफ। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपके सपोर्ट के बिना ये सब नहीं होता। आप लोगों ने मुझसे इतना प्यार किया, मेरे पास ईमेल्स करते गए, मैसेजेस करते गए, डीएम्स करते गए, कमेंट्स करते गए कि ट्रैवल करो, दोबारा ट्रैवल करो, स्टार्ट करो। तो तभी आपके लिए मैं कर रहा हूँ और ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे यूजुअली कोई नहीं जाता। तो मैं अपनी जान रिस्क में डाल के वहाँ पे जाने लग रहा हूँ। आई होप यू विल अप्रिशिएट इट एंड सपोर्ट मी। तो आई कीप यू पोस्टेड एंड लेट्स गो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमारे मनोज भैया, जिनका ट्रैवलिंग मंत्रा के नाम से यूट्यूब चैनल है, उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि दुबई में मेरे को करेंसी एक्सचेंज की काफी प्रॉब्लम हो गई थी और उसमें उन्होंने मेरी काफी हेल्प करी। ऐसी और थ्रिलिंग डेस्टिनेशंस जैसे कि नॉर्थ कोरिया और सऊदी अरेबिया की वीडियोस देखने के लिए आप जाकर उनका चैनल चेकआउट कर सकते हैं। तो जस्ट अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है फ़्लाइट की, और मैं अभी बोर्डिंग गेट के बाहर बैठा हूँ। F6 मेरा गेट है। एयरपोर्ट पे चेक इन की जब मैं लाइन में लगा था तो मैंने देखा सब लोगों के पास बहुत सारा सामान है, दो दो तीन तीन चार चार बैग लेके लोग जाने लग रहे हैं। पता नहीं एयरलाइन जितना लगेज अलाउ कैसे करी थी, इन्होंने एक्स्ट्रा लगेज खरीदा होगा, पता नहीं। दुबई में शायद आप लोग जानते होंगे कि टैक्स नहीं है, अब शायद 5% वैट लगने लग गया, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। और इसी वजह से काफ़ी सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और पता नहीं क्या क्या कपड़े वगैरह लोग यहाँ से लेके जाने लग रहे थे खूब सारे। एयरपोर्ट पे आपको हिंदी इजीली सुनने को मिल जाएगी, हिंदी, अरेबिक, इंग्लिश, सारी लैंग्वेजेस एयरपोर्ट पे यूज़ करते हैं। और चेक इन के टाइम एक क्या चीज़, उन्होंने मेरे से वीज़ा के बारे में पूछा ही नहीं, सोमालिया का वीज़ा ऑन अराइवल है या फिर पहले से ले रखा है, उन्होंने एक कुछ भी सवाल नहीं किया। यूजुअली अगर किसी भी कंट्री में हम जाते हैं और बाई चांस हमारे पास वहाँ का वीज़ा नहीं है और वो कंट्री में डिपोर्ट कर देती है, तो जिस एयरलाइन से हम आए थे उस एयरलाइन की जिम्मेदारी होती है हमें वापस पहुँचाना, तो एयरलाइंस का काफ़ी लॉस होता है इसमें। तो इसीलिए कंफर्म करते हैं कि आपके पास अगली कंट्री का वीज़ा है या नहीं है। और मेरे पास नहीं था, मेरे को वीज़ा ऑन अराइवल लेना था, पर यूजुअली वो तसल्ली के लिए पूछते भी अगर ऑन अराइवल भी लेना हो तो। उन्होंने मेरे से कोई सवाल जवाब नहीं किया वीज़ा के लिए। इमिग्रेशन होगी बाद में जब मैं बैगेज, मेरे बैग में सीज़र थी जो कि 6 सेंटीमीटर से बड़ी थी, जो 6 सेंटीमीटर तक अलाउड होती है, और शार्प ऑब्जेक्ट्स में मेरे पास एक स्विच नाइफ भी था क्योंकि मैं बैग कैबिन में लेके जा रहा था, तो मैंने सारा सामान इसी में डाला हुआ था। पर फॉर्चुनेटली उन्होंने, पुलिस वालों ने ध्यान नहीं दिया चेकिंग के टाइम, और मेरे से ना कोई सवाल जवाब किया ना मेरा बैग चेक किया। तो फॉर्चुनेटली वो स्विच नाइफ भी मेरा इसी बैग में आ गया, और कैची भी, और डिओड्रेंट भी था 100 ml से ज़्यादा, तो उसके लिए भी उन्होंने नहीं टोका। क्या मैं अपना बैग चेक इन में नहीं भेजना चाहता था, ये छोटा बैग अपने साथ ही रखना चाहता था। एक तो मेरा कैमरा का है, एक ये दूसरा है जिसमें मैंने अपना सारा सामान डाला है, तो मैं ये चेक इन में नहीं देना चाहता था क्योंकि एयरपोर्ट्स पे अफ्रीका में काफ़ी चोरी हो जाती है, बैग में से सामान निकाल लेते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ वाले, कोई पता नहीं पुलिस वाला या फिर काम वाले जो भी करते हैं पता नहीं। बेल्ट पे से जब आपका सामान आता है तो यूजुअली अगर आपका बैग लॉक्ड नहीं है तो बैग में से सामान वगैरह चोरी हो जाते हैं। मेरे साथ इथियोपिया में हुआ था और मैंने काफ़ी केसेस सुने भी हैं। तो मेक श्योर अगर आप चेक इन में दे रहे हो अपना लगेज तो बैग लॉक करके रखिएगा ऐसे, क्योंकि मेरा इसका वेट 8 किलो से ज़्यादा था और ये 10-11 किलो का था, तो मैंने सोचा कि अगर वो अलाउ ना करे कैबिन बैग के लिए और मुझे चेक इन में भेजना हो तो इसलिए मैंने लॉक लगा रखा था। और सभी लोगों ने लॉक्स लगा रखे थे बड़े बड़े बैग्स पे, तो मेक श्योर कि आप अफ्रीका में ट्रैवल करें तो अपने बैग्स को सेफ रखें। टिल नाउ एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी स्मूथली और मैं उम्मीद करता हूँ कि भी ऐसा ही रहेगा। तो मैं फाइनली जाके फ्लाइट बोर्ड करता हूँ। सब लोग आते हैं ना,
दुबई एयरपोर्ट से डिपार्ट होने के कुछ ही घंटे की उड़ान के बाद फ्लाइट ने अपना पहला स्टॉप लिया हरगीजा में। हरगीजा के अराइवल टर्मिनल पे फ्लाइट रुकी और जिन लोगों को हरगीजा जाना था उन्होंने फ्लाइट से डिबोर्ड करना स्टार्ट किया। हरगीजा इज़ द कैपिटल ऑफ सोमालीलैंड और वो जो आप देख रहे हैं वो सोमालीलैंड का झंडा है। ऑल दो सोमालीलैंड सोमालिया के अंदर ही आता है पर ये अपने आप को एक अलग कंट्री मानते हैं, इसलिए इन्होंने अपना अलग झंडा, अलग करेंसी और अलग वीज़ा बना रखा है। लगभग 15 से 20 मिनट फ्लाइट हरगीजा एयरपोर्ट पर रुकी और सभी पैसेंजर्स ने डीबोर्ड किया जिन्हें हरगीजा जाना था और उसके बाद फ्लाइट ने दोबारा अपनी उड़ान भर ली टूवर्ड्स द कैपिटल ऑफ सोमालिया दैट इज मोगादिशु। लैंड हो गए मोगादिशु एयरपोर्ट पे, जैसा मैंने सोचा था उससे अच्छा है एयरपोर्ट, काफ़ी मेरी उम्मीदों से ज़्यादा है। मेन दिक्कत यह कि मेरे पास कोई भी इनविटेशन लेटर या कुछ भी नहीं है वीज़ा ऑन अराइवल के लिए और मेरे टूर ऑपरेटर ने बोला है कि जाते इमिग्रेशन में बस मेरा नाम ले देना और चिंता ना करो कुछ नहीं होगा, वो अपने आप आपको दे देंगे। तो काफ़ी अजीब साउंड कर रहा है पर जाके देखते हैं कैसा रहता है क्या होगा। अराइवल पे छोड़ा था और अब हम यहाँ से पैदल चल के इंटरनेशनल अराइवल पे पहुँच गए। यहाँ पे बाकी इमिग्रेशन और पासपोर्ट कंट्रोल होगा। सो आई जस्ट लैंडेड एट मोगादिशु एयरपोर्ट फाइनली एंड अली वॉज हेयर टू पिक मी अप। अली से हाय। हाय, वेलकम टू सोमालिया। थैंक्स ब्रदर। एयरपोर्ट, दिस इज द इंटरनेशनल, दिस इज द होटल कॉल्ड व्हिच होटल इज इट? अली यहाँ पे पॉपुलर है काफी और अली को सब जानते हैं एयरपोर्ट पे, पुलिस वाले भी इमिग्रेशन वाले भी। जब मैं आया तो इमिग्रेशन पे मेरे को वीजा ऑन अराइवल लेना था, उसके लिए इनविटेशन लेटर चाहिए होता है, मेरे पास वो नहीं था। मेरे को ओमर जो की कंपनी का मालिक, उसने कहा था जाके बस नाम ले देना मेरी कंपनी का, तो ऐसा ही हुआ, मैंने जाके नाम लिया। इतने में अली वहीं पे था इमिग्रेशन ऑफिसर्स के साथ ही, जैसे कोई अपना लोकल दफ्तर हो, और उनके साथ बैठा था और उन्होंने मेरे को वीज़ा इशू कर दिया साथ ही साथ। $60 का वीज़ा था उसी टाइम, उन्होंने मेरे को स्टैम्प कर दिया और अभी हम एयरपोर्ट से बाहर निकले। अली मेरे को वहीं पे खड़ा मिल गया था और अली भाई अब मेरे को लेके जाने लग रहे आगे। तो ये है मेरी कंट्री नंबर 17 आई गेस और वेरी एक्साइटेड। अभी तक तो चीज़ें ठीक लग रही है, बाकी देखते हैं कैसा माहौल होगा। सो आई विल शट इट डाउन बिफोर द चेक पॉइंट। ओके, उधर एक चेक पॉइंट है, उस उधर हम रिकॉर्ड करना ठीक नहीं है, तो हम वो पार करके तो चेक पॉइंट पार करके आगे रिकॉर्ड करेंगे। इधर एक दो छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स हैं, वेस्टर्न यूनियन का भी एक ऑफिस है सरप्राइजिंगली उधर है। अभी भी पार्किंग में आ गए, हम कार की तरफ जाने लग रहे हैं। अली थैंक यू फॉर कैरिंग माय बैग, रियली अप्रिशिएट। दिस इज आवर कार, बुलेट प्रूफ टोयोटा 4x4। ओके,
Can I sit now? Yeah, you can. Thank you. It's for me. Thank you. Oh, so tall. Hey bro, how are you? Fine. What's your name? Dahir. Dahir? Yeah. Nice to meet you, man. Hey. अभी हम कार में आ गए. कार टोयोटा की कोई गाड़ी है, फॉर्च्यूनर जैसे इंटीरियर्स है और बुलेट प्रूफ है. He said, wait me a minute. No problem, no worries. Yeah. Yeah, you can stay here. No worries, no worries. I can stay here, no worries. Good. Are you? ये गाड़ी है पीछे. Dahir, you are from Mogadishu? Yeah. You speak English? No. Little bit? Okay. I would like to ask you something. I was here. सोमालिया में जाकर वहाँ पर वीडियोस रिकॉर्ड करना वॉज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ऑफ माई लाइफ. यहाँ पर दिक्कत क्या है कि यहाँ पर हर कुछ ही मीटर पे सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स होते हैं, कहीं पे सोमालिया की मिलिट्री के, कहीं पे यूएन के, कहीं पे अफ्रीकन यूनियन की पुलिस के एट्सेट्रा. और इन सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पे कैमरा से कुछ रिकॉर्ड करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है. सोमालिया में एज अ टूरिस्ट एंटर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. और जो मेरी टूर कंपनी है विजिट मोगादिशु, जिसकी वजह से मेरा ट्रिप पॉसिबल हो पाया, वो यहाँ की इकलौती टूर कंपनी है. और एक वही टूर कंपनी ऐसी है जो यहाँ पर आपकी एंट्री करवा सकती है. और इन्हीं कुछ सिक्योरिटी रीजंस और मेरे टूर गाइड्स की सेफ्टी के लिए मैं उनकी शक्लें ऐसे वीडियो पर नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने उनकी शक्ल को ब्लर करना ठीक समझा. Which road is this? Airport road. पीछे गार्ड बैठे हमारे डिग्गी में, ये आपको दिख रहे होंगे. ये होटल है जिधर हम रुकने वाले हैं. और अभी जस्ट हमने गाड़ी के अंदर करी है. डिसेंट सा लग रहा है सोमालिया के हिसाब से तो. और जो गार्ड है हमारे पीछे, यहाँ पे दिक्कत है क्या कि है ना, जगह जगह चेक पॉइंट्स है और वहाँ पे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से. तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, बीच बीच में कैमरा बंद करना पड़ रहा है और सब लोगों के फेसेस भी नहीं दिखा सकते, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ रहा है. हमारे पास दो आर्म्ड गार्ड्स हैं जो कि अभी डिग्गी में बैठे हैं, अभी उतर गए हैं जस्ट, और मेरा बैग उतार रहे हैं शायद वो. और अभी हम होटल में जाएंगे, खाना खा के फिर हम निकलेंगे सिटी टूर करने के लिए. देखेंगे क्या क्या मिलता है और मैं आपको दिखाऊंगा. I can hold this. You must be tired. Must be tired. No. I'm fine. Thank you. This way. जस्ट अभी होटल में घुसे और ये फॉर्म भरना होता है. तो भाइयों, ये कमरा है मेरा मोगादिशु में, सोमालिया में. रूम नंबर है 106, होटल का नाम है सहाफी होटल इंटरनेशनल KM4. और डिसेंट है कमरा, कोई बहुत ज़्यादा लग्जीरियस या बिल्कुल बेकार तो नहीं है. सोमालिया के हिसाब से काफ़ी डिसेंट है, ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था. और ये अलमारी है थोड़ी बहुत, खैर मेरा सामान तो कुछ इतना है नहीं तो इनकी ज़रूरत पड़ने नहीं वाली. मेन मेरे को था कि वॉशरूम साफ हो, तो वॉशरूम उस हिसाब से सही है. और इधर बाहर एक छोटी खिड़की सी है
और जाली लगी हुई है। यहाँ पे मेन दिक्कत है, हर 5 मिनट में 2 मिनट में कोई ना कोई गेट खटका रहा है, कभी रिसेप्शन वाले आ रहे हैं, कभी वो गाइड आ रहा है मेरा, अभी जस्ट आया ही हूँ तो पता भी नहीं चल रहा एकदम से। बाहर ऐसा माहौल सा देख के डरावना सा माहौल बना दिया, बार बार गेट खटकता तो लगता है पता नहीं कौन आ गया। तो अब हम निकलेंगे सिटी में घूमने के लिए। सोमालिया के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो मैं आपको वीडियो के दौरान बताता रहूँगा, जैसे इसकी जो कोस्ट लाइन है वो सबसे बड़ी है वर्ल्ड में। तो इंडियन ओशन से कोई भी जहाज वगैरह गुजरता था उसको सोमालिया कोस्ट लाइन के पास से गुजरना पड़ता था, तभी यहाँ के पायरेट्स इतने पॉपुलर है। और यहाँ पे बहुत पायरेट्स होते थे, किडनैपिंग और बॉम्बिंग इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम था। 1991 में शायद इधर सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था और 2006 से शायद इधर की गवर्नमेंट ने दोबारा कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। और अभी सिचुएशन थोड़ी ठीक है, पर टेररिस्ट ग्रुप्स है अभी भी एक दो, जैसे अल शबाब है, वो बॉम्बिंग्स वगैरह करवाता रहता है पब्लिक प्लेसेस पे और ये सब। तो जो मेरी टूर कंपनी है, उस टूर कंपनी के जो भी जो आदमी, उनके आपको फोटोज कहीं नहीं मिलेगी, गूगल पे इंटरनेट पे आप देखोगे कंपनी के बारे में सब मिल जाएगा, सारे टूर पैकेज मिल जाएगा, उनकी फोटो नहीं मिलेगी। और मैं पहला यूट्यूबर जो इनके पास आया और पहला इंडियन लड़का हूँ जो इनके पास आया। इनके पास एक लड़की आई थी, तो मैं पहला इंडियन टूरिस्ट हूँ ऑफिशियली लड़का सोमालिया में, और पहला इंडियन यूट्यूबर सोमालिया में तो जो घूमने के लिए आया और इसकी वीडियोज बनाने हैं। तो एक दिक्कत तो ये कि यहाँ पे चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट पे वीडियो नहीं बना सकते। दूसरी दिक्कत ये है कि उन लोगों के मैं फेसेस नहीं दिखा सकता ज्यादा, है जो मेरे साथ गार्ड्स या ड्राइवर जो भी रहेंगे उनके फेसेस या तो मेरे को ब्लर करने पड़ेंगे या उनको कुछ पहना के उनसे पूछना पड़ेगा कुछ, तो इस चीज़ का मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके टारगेट पे रहते हैं, यहाँ की क्या हालात है वो बाहर दिखाए, बाहर के लोगों को पता चले, तो इसलिए लोग टारगेट पे रहते हैं, तो इनकी जान को काफ़ी खतरा है। तो इनकी सेफ्टी के लिए मैं इनको वीडियो में ज़्यादा नहीं लूँगा। विल सी हाउ इट गोज। अभी वजह है 1:15, 5 मिनट में बस अभी लंच करके हम घूमने के लिए निकलेंगे और दैट्स इट। मैं हाथ में धो लेता हूँ और फिर हम चलते हैं सिटी में, देखते हैं क्या मिलता है।